Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss any update from Samco. Hello everyone. जब से नवंबर 2020 में निफ्टी ने 12,400 लेवल्स क्रॉस किए हैं, तब से मार्केट्स लगातार न्यू हाईस बना रहे हैं। बेंचमार्क इंडेक्स ने फर्स्ट क्वार्टर में 7% से ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं, और ये ट्रेंड सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड के इक्विटी मार्केट्स में भी दिखाई दे रहा है। अब मार्केट्स को इन्फ्लुएंस करने वाले मैक्रोज जून में वरीसम नजर आ रहे हैं। WPI और CPI नंबर्स अपने अपर बैंड से थोड़ा ऊपर आ गए हैं, और इसका मेजर रीजन एक्सेसिव डिमांड नहीं है बल्कि बढ़ते फूड और फ्यूल प्राइसेस है। जहां US और चाइना में इन्फ्लेशनरी प्रेशर एक्सेसिव डिमांड के कारण दिखाई दे रहा है, वही इंडिया में मेजर रीजन है क्रूड ऑयल प्राइसेस का बढ़ना। और ज्यादा तकलीफ तब होगी जब सप्लाई कंस्ट्रेंट्स के कारण क्रूड प्राइसेस में और बढ़ोतरी दिखाई देगी। और कई मैक्रोज है जो मार्केट के मूवमेंट को इम्पैक्ट करते हैं, इन्हीं से मार्केट्स में छोटे मोटे करेक्शंस आते रहते हैं। पर अगर आप लंबे टाइम फ्रेम के नजरिए से मार्केट्स को देखते हैं, तब पता चलता है कि मार्केट्स ने इन शॉर्ट टर्म मैक्रोज पे ध्यान ना देते हुए न्यू हाइस की तरफ अपना सफर जारी रखा है। तो इसका मतलब ये है कि बुल साइकिल में इन मैक्रोज में जब तक सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट नहीं आता या फेड और RBI इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ाते, तब तक मार्केट्स का मोमेंटम जारी रहता है। और कोई एक फैक्टर का स्टैंड अलोन में मार्केट के ट्रेंड में टर्न अराउंड लाना मुश्किल है। अब चलते हैं IPO फ्रेंजी की तरफ। बुल मार्केट्स प्राइवेट इक्विटी और प्रमोटर्स को अच्छे वैल्यूएशन पे एग्जिट करने का मौका देता है। इसके अलावा IPO इश्यू का छोटा सा हिस्सा ही रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए होता है, और सप्लाई कम होने के कारण रिटेल का हिस्सा आसानी से ओवरसब्सक्राइब हो जाता है, और ये बाकी इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने के लिए और टेम्प्ट करता है। ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स लिस्टिंग गेन्स के लिए IPO में इन्वेस्ट करते हैं, जो ये बिलीव करते हैं कि हायर प्राइस पे कोई इन्वेस्टर IPO को लेने रुका ही होगा। इसे ग्रेटर फूल थियोरी भी कहते हैं, जहां लिस्टिंग गेन्स के लिए इन्वेस्टर्स हायर वैल्यू पे बेच सकते हैं, क्योंकि उनके सामने हमेशा कोई इन्वेस्टर हायर प्राइस देने के लिए रुका होता है। इन्वेस्टर्स को इसी बात पे गौर करनी चाहिए और IPOs में कॉशन और सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए। बिना सोचे क्राउड को फॉलो नहीं करना चाहिए। आज हमारे पास आपके लिए हैवेल्स में लॉन्ग कॉल है। एक पैराबोलिक मूव के बाद हैवेल्स फरवरी से कंसोलिडेट कर रहा है, पर उसका बेरिश मोमेंटम फेड होता नजर आ रहा है और स्टॉक अपने अपट्रेंड की जर्नी फिर से शुरू कर सकता है। चार्ट में फॉलिंग वेज पैटर्न बना है जो बुलिश फॉर्मेशन है, और प्राइस में भी फॉलिंग वेज रेजिस्टेंस लाइन से ब्रेकआउट किया है। MACD ने भी रिसेंटली बुलिश क्रॉसओवर बनाया है। 1100 के ऊपर ब्रेक फर्दर अपसाइड बता सकता है, इसलिए आप 1180 का टारगेट लगा के 1010 के स्टॉप लॉस के साथ हैवेल्स खरीद सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, हम जरूर उसका जवाब देंगे। थैंक यू।